आदाब नाज़रीन, आप देख रहे घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूँ आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। मुहर्रम के जलूसों की इजाजत सिर्फ इजाजत शुदा रास्तों पर होगी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोल। ईसीआई ने कश्मीर डिवीजन के डीईओस डीडीईओस के लिए ईवीएम वीवीपीएटी पर पहले दर्जे की जांच पर दिन भर वर्कशॉप का इनेकाद किया। डीएमआरआरआर ने डिजिटल जेएनके वीक मनाया। डॉक्टर सामो ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में दाखिलों की सूरत हाल का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल ने आज कहा कि मुहर्रम के जुलूसों को सिर्फ इजाजत याफ्ता रास्तों पर ही इजाजत दी जाएगी, जिन्हें हुकाम ने पहले ही मुतला कर दिया है। पीके पॉल ने आज जिला बडगाम के दीगर जिले अफसरान के साथ मरकजी इमामबाड़ा बडगाम का दौरा किया, ताकि मुहर्रमुल हराम से कबल इमामबाड़ा में दस्तियाब मुहर्रम इंतजाम का जायजा लिया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज यहां एसकेआईसीसी में कश्मीर डिवीजन के तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए ईवीएम वीवीपीएटी की फर्स्ट लेवल चेकिंग पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का अहतमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर जम्मू व कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर के इश्तराक से किया था। हुकूमत जम्मू व कश्मीर 25 से 31 जुलाई तक डिजिटल जेएनके वीक 2022 मना रही है, जिसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू व कश्मीर मनोज सिन्हा ने 25 जुलाई को एसकेआईसीसी श्रीनगर में किया था। इस वीक को जम्मू व कश्मीर डिजिटल मेले के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद आवाम को सहूलत फराहम करना है, ताकि उन्हें मुख्तलिफ महकमों की तरफ से फराहम की जाने वाली एक खिदमत से आगाह किया जा सके। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज जम्मू व कश्मीर के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिलों की सूरतहाल का जायजा लेने के लिए अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की। गुरेज से हमारे नुमाइंदे जुहैर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे गुरेज इलाके में रिलायंस जियो कंपनी ने बहुत सारे टावर नस्ब किए हैं, लेकिन इलाका बकतोर कुंजलफन को छोड़कर कई गुरेज इलाके में किसी भी जगह नेटवर्क नहीं आता है, जिस वजह से मकामी लोगों के अलावा सयाहों को भी कॉलिंग और इंटरनेट की सहूलियत से महरूम होते हैं। ब्लॉक बकतोर कुंजल के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद इस बारे में यूं कहते हैं। ब्लॉक बकतोर कंजलवन के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, जैसे कि इजमर्ग, नाइल गांव, जलीन डोरा, चोंटीवारी और नई बस्ती। यहां पर स्टूडेंट्स के साथ साथ लोगों को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं डीसी बांडीपोरा मिस्टर उवेश साहिब और रिलायंस जियो के डायरेक्टर साहब से पुरजोर अपील करता हूं कि इन जगहों पे जल्दी से जल्दी जियो टावर लगाया जाए। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक डीडीसी मेंबर कलारोज राही मुस्तफा की क्यादत में आज कलारोज थीन में एक रोजा वर्कर्स कॉन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कॉन्वेंशन में वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर राही मुस्तफा ने वर्करों पर जोर दिया कि आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार रहें। देखिए, हमारे साथ हमारे नौजवान बुजुर्ग हमारे रहबर हमारे साथ हैं, और आज हमने ये मुनासिब समझा कि एक छोटी सी मीटिंग करके आपने मतलब मेरे क्या आइडियाज़ हैं या इनके पास हैं वो आपस में शेयर करने जा रहे थे। पूरी कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो जगह जगह से फोन आ रहे थे कि आपने क्या करना है, आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो आपके माध्यम से एक चीज़ हम क्लियर करने जा रहे हैं कि हमारे आवाम जो आप हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं, इनके साथ से इनकी दुआ से इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना हैं। आने वाला जो इलेक्शन होगा, तो अगर जिंदगी ने साथ दिया, जिंदगी रही, तो इंशाल्लाह हम जरूर उसमें ये कॉन्टेस्ट करेंगे।
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं बांडे फहीम की इस रिपोर्ट में। मीडिया के साथियों का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, सभायों के धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम आज अख्तर भाई का स्वागत करते हैं आज पार्टी में, इस चीज का भी वेलकम करती है, मुबारकबाद देती है पूरे कश्मीर के साथियों को। जिस तरीके से अमरनाथ जी यात्रा प्रॉपर प्रोसेस से चल रही है, सबसे ज्यादा मुबारकबाद अगर है किसी को पैरामिलिट्री फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा अगर मुबारकबाद देनी है तो कश्मीर की आवाम को देनी है। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया अनंतनाग पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट NHPC और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग के बाहिम इश्तराक से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल मुस्तकबिल हफ्ता मनाते हुए एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल मोहम्मद यूसुफ गोरसी समेत ADC अनंतनाग और जिला के दीगर आला अफसरान मौजूद थे। चेयरमैन DDC अनंतनाग यूसुफ गोरसी ने प्रोग्राम में महकमा बिजली की जानिब से अहदाफ को हासिल करने में हुकूमत की कामयाबियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हम जिला के दूरदराज देहातों को बिजली फराहम करने में बहुत हद तक कामयाब हुए और आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूली बच्चों की तरफ से रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। आजादी का अमृत महोत्सव हर कोई डिपार्टमेंट बना रहा है, तो उसी कड़ी में आज बिजली डिपार्टमेंट ने भी ये प्रोग्राम जो रखा था रोशन भारत रोशन मुस्त, तो आज अल्लाह के फजल से हमारे हर गांव में बिजली जो पहुंच गई है, तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने ज़िला के लोगों की तरफ से मरकज़ी सरकार और ज़िला गवर्नर इंतज़ामिया को और BDD डिपार्टमेंट के तमाम अफसरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे नुमाइंदे कामरान अली कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक सराय के करीब कंटर जे रजिस्ट्रेशन नंबर JK121469 और वेगनार कार जे रजिस्ट्रेशन नंबर JK128486 के दरमियान हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत और दो दीगर जख्मी हो गए। मुतफिक की शनाख्त बिक्रम सिंह वल्द ठाकुर सिंह साकिना हवेली के तौर पर हुई है, जबकि जख्मियों की शनाख्त जसबीर कौर जौजा बिक्रम सिंह और बलजीत कौर दख्तर बिक्रम सिंह के तौर पर हुई है। दोनों जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद मजीद इलाज के लिए GMC राजौरी मुंतकिल कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक वमेद कल्चरल ग्रुप जम्मू की जानिब से आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के इश्तराक से सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधरबल कैंपस में एक टैलेंट हंट शो का इनेकाद किया गया, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में जेर तालीम तलबा तलबात ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौके पर कई तलबा तलबात को असनाद से भी नवाजा गया। तकरीब पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरकर, यूनिवर्सिटी के फाइनेंस ऑफिसर प्रोफेसर फयाज अहमद नायका और स्टूडेंट्स वेलफेयर के डॉक्टर मैराजुद्दीन भी शामिल हुए। प्रोफेसर रियाज अहमद नायका ने इस मौके पर कहा कि वो मेद ग्रुप कश्मीरी जबान को फरोग देने के लिए जो काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है। वमेद ग्रुप के चेयरमैन रोहित भट्ट ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम कश्मीरी जबान को नौजवान नस्ल में आम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक DFO JV डिवीजन बारामूला ने अपनी टीम के साथ कंपार्टमेंट नंबर 21 बोनियार के तहत फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चलते हुए बगैर निशान किए गिरे हुए दरख्तों से बनी लकड़ी जब्त की है। बताया जाता है कि एक ठेकेदार कुछ लोगों से मिलकर वहां जंगली इलाके में काम कर रहा था, उसने बगैर निशान लकड़ी जो 1478 फीट है गैर कानूनी तौर काट रखी थी और उसे लॉग बना रहा था, तो फॉरेस्ट डिवीजन बारामूला की बरवक्त कार्रवाई की और इस लकड़ी को बरामद किया और मजीद कार्रवाई शुरू की। जुलाई 2022 को मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है या जिसको आज फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, उनके अंडर एक कूप है, रनिंग कूप, जहां से टिम्बर एक्सट्रैक्शन हो रही है, डिपार्टमेंटल टिम्बर एक्सट्रैक्शन हो रही है। तो वहां पे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कहीं पे वायलेशन हुई है, जो कॉन्ट्रैक्टर है अब्दुर्रशीद लोन सन ऑफ अब्दुल अहद लोन रेजिडेंट ऑफ लोडोरा रफियाबाद, उन्होंने कुछ वायलेशन की हुई है। तो तुरंत मैं उसी टाइम
अपने रेंज ऑफिसर बोनियार लेके और अपनी टीम लेके वहां गया। कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट उसी टाइम FIR भी हो गया और बिसाइडस हमने इंक्वायरी टीम भी इसमें बिठाई है, मैंने बिठाई है। फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के ख्वाहिश मंजूर है, प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में आज 14वें दिन भी अपना एहतजाज जारी रखा। क्या है उनके मुतालबात, आइए देखते हैं बांडे फहीम की इस रिपोर्ट में। क्या कह सकते हैं, हम पिछले 15 दिन से इनको अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनो, हम भी किसी के बच्चे हैं, हम भी इसी इंडिया के सिटीजंस हैं, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के लोग हैं। वी आर इन सर्टेन पीसफुल प्रोटेस्ट तब तक जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर आयुष डॉक्टर मोहन सिंह की हिदायत पर गवर्नमेंट हाई स्कूल वारपुरा में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी डॉक्टर रियाज अहमद खान डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर बारामुला और डॉक्टर अख्तर नाइक डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर मौजूद थे। 2006 and I studied in 10th class. I'm from Magdumia Model High School, Warpura, Sopor. Come here and the program is going here that it is related to the drug addiction and also here the we give us the information about the drug addiction. Ajad hai, main Warpura se hoon aur main Islamia Public High School Warpura mein padhti hoon. Ye hame bahut zyada fayda mila aur har gaon mein ye hona chahiye kyunki jo gareeb log hain unke liye bahut hi zaruri hai kyunki unko paise bhi nahi hote hain. उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है और फायदेमंद भी है। शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक बाणीपुरा के वतरना गांव के कसाई मोहल्ला से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों लोगों ने अपने लिंक रोड की मैग्नेटाइजेशन का मुतालबा किया जो कई सालों से खराब हालत में है। यहाँ की रोड की कंडीशन इतनी खराब है कि पूछो मत। कोयल मुकाम, मलनगाम, आलूसा, तर्कपुरा, मंगनीपुरा, इससे बहुत कंडीशन खराब है यहाँ की इस रोड की। खराब हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं गवर्नर साहब से ताकि इस रोड की ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। हमें 1.5 घंटा सफर में लगता है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, स्कूल बच्चों को बहुत इतनी प्रॉब्लम होती है। आप देखो ऑनलाइन इस वक्त क्या हो रहा है, यहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी ने पुलवामा में एक रोजा वर्कर्स कॉन्वेंशन का इनेकाद किया। नौजवान है जमीन मा मकबर मैं नौजवान इतना तेज नौजवान के यु जन वक्त अल्लाह ताला वन मे यह मान लुकन आपूस वन वन क्या वन ये वन दी चान लुकन तोज वन तमो बूजा या न बूजा सह खुदा सम खुदा त्रेनो इलाम पजिस साथ दिनो क्या। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक वादी के अतराफ व अकनाफ में हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफाए दोम सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स पर रूहे परवर मजालिस का एहतमाम हुआ। दरगाहों और खानकाहों में रात भर शबखानी की गई। दरगाह हजरत बल में नमाज पंचखाना के बाद जायरीन मोए मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैजयाब हुए। जम्मू कश्मीर में भुत के रोज हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और इस हवाले से दरगाहों और खानकाहों में रूहे परवर मजालिस का एहतमाम हुआ। जी ढल के किनारों पर वाका आसार शरीफ हजरत भल में नमाज जुहर पर लोगों की भारी तादाद ने बाजमात नमाज की अदायगी के बाद मुए मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैजयाब हुए। इस मौके पर उल्मा ने दीन इस्लाम के इस अजीम फर्जंद को उनकी जलीलुल कदर और बेमिसाल दीनी व इस्लामी खिदमत के लिए शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैजयाब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब खैर।